कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज।
रजनी इसीलिए तो ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की लाज। हे शनि देव महाराज, रखना भक्तों की का ऐसे है उपकारी। जिस पे इनकी होती कृपा उसके भाग्य खुले, जो भी मन में होती इच्छा सब कुछ उसे मिले। चौथा पंडित बोला उद्ग्राही सबसे महान, जिसकी राशि में होते उसका बढ़ जाए। शनि।
शनिदेव की लीलाओं का वर्णन करेंगे। सूर्य पुत्र श्री शनिदेव इस कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं। ये भक्तों पर थोड़ी सी भक्ति मात्र करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं। जो भक्त जन श्रद्धा भाव से इनका नाम जपते हैं और इन्हें काले तिल, काले उड़द और तेल चढ़ाते हैं, उनके भाग्य में हमेशा ही खुशियां बनी रहती है। भक्तों, शनि देव न्याय के देवता हैं। मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए धन में हमेशा ही बरकत करते हैं, किंतु चोरी और बेईमानी करने वाले को कठोर दंड भी देते हैं। भक्तों, यदि इनकी वक्र दृष्टि पड़ जाए तो क्या मानव, क्या देवता, कोई भी नहीं बच पाते हैं। इसीलिए भक्तों, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि शनि देव हम पर सदैव प्रसन्न रहे। शनि देव को अनेकों ही नामों से पुकारा जाता है। शास्त्रों में इनके 108 नाम बताए गए हैं। भक्तों, तो आइए भक्तों, आज हम शनि देव के 108 नामों का वर्णन करते हैं। बताया शनि देव के 108 नामों का जाप करने से शनि देव की विशेष कृपा मिलती है। भक्तों को इनके 108 नामों का जाप करें, ये सुनने मात्र से भी शनि देव भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि देव का पहला नाम शनिश्चराय है, जिसका अर्थ शनि शनि चलने वाला। इनका दूसरा नाम शांत है, शांत का अर्थ हर पल शांत रहने वाला होता है। सर्वाभीष्ट प्रदायिन का अर्थ है सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। शरण्य मतलब की रक्षा करने वाला, तथा वरेण्य सबसे उत्कृष्ट, सर्वेश सारे जगत के देवता, धौम्य नरम स्वभाव वाले, और सुरवंद्य सबसे पूजनीय, तथा सुरलोक विहारिण देवताओं के लोक में विचरण करने वाले हैं शनि देव। तो आइए भक्तों, अब शनि देव के नामों के बारे में जानते हैं। जुड़े थे।
श्रेष्ठ भी ना की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उनके 108 नाम अर्थ सहित बखान कर रहे हैं। शनि देव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तो चलिए जानते हैं उनके और नामों के बारे में। सुखासनोपविष्ट का अर्थ है घात लगाकर बैठने वाला, यानी जो लोग चोरी बेईमानी या अन्य कोई ऐसा काम करें जिससे अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान हो तो शनि देव हमेशा उसे दंड देते हैं। घन का अर्थ होता है भक्तों कठोर रूप वाला। घना भरण धारण का अर्थ है लोहे के आभूषण पहनने वाला। घना सखर विलेप का अर्थ है भक्तों जो कपूर का अभिषेक करता हो। खद्योत का अर्थ है अंबर का प्रकाश। मंद का अर्थ है धीमी चाल और मंद चेष्ट का अर्थ है धीरे धीरे घूमने वाला। महावनीय गुणात्मन अनेकों अनेक अच्छे गुणों वाला होता है। तो चलिए भक्तों शनि देव के बाकी नाम और उनका अर्थ जानते हैं। बाधा दूर होती है भक्तों, इसीलिए हम आज इन्हीं 108 नामों के बारे में अर्थ सहित बता रहे हैं। शनि देव का एक नाम मर्त्य पावन पद भी है जिसके चरण भी पूजनीय है। शर्व का अर्थ पीड़ा देने वाला होता है, अर्थात ये चोरी करने वाले और बेईमानी से धन कमाने वाले को पीड़ा भी देते हैं भक्तों। महेश का अर्थ देवताओं में महान है। छाया नंदन इन्हें छाया गर्भ से जन्म लेने के कारण कहते हैं भक्तों। इनका एक नाम शततुर्नीड धारण है, अर्थात 100 तीरों को धारण करने वाले चर स्थिर स्वभाव अर्थात व्यवस्थित रूप से चलने वाले। नीलवर्ण नाम इनके नीले रंग के कारण ही है,
तो आइए भक्तों, अब इनके और नामों का वर्णन करते हैं। जाता है भक्तों, और इनके अलग अलग गुणों के कारण ही इनके अलग अलग नाम भी पड़े हैं। आज हम उन्हीं नामों को अर्थ सहित जानने की अभिलाषा लेकर चर्चा कर रहे हैं। भक्तों, शनि देव का एक नाम नित्य भी है, अर्थात अनंत काल तक रहने वाला। नीलांजन निभ का अर्थ है नीले रंग में दिखने वाला। इन्हें नीलांबर विभूषण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीले परिधान में सजे हुए रहते हैं। भक्तों, निश्चल का अर्थ है सदा ही अटल रहने वाला। इनका नाम वैद्य इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं। विधि रूप इनको इसलिए कहा जाता है भक्तों, ये पवित्र उपदेश देते हैं। और विरोधाधार भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि शनि देव सदा ही भूमि विवाद का समर्थन करने वाले होते हैं। भेदास्पद स्वभाव शनि को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति का पृथक्करण करते हैं। भक्तों, तो आइए शनि देव के और भी नामों के बारे में जानते हैं।
अपार कृपा से भक्तों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। इनके नाम का जाप करने मात्र से ही भवसागर से नैया पार लग जाती है। इसी क्रम में आज हम शनि देव के 108 नामों का जाप कर रहे हैं और भक्तों को उनका अर्थ भी बता रहे हैं। भक्तों, शनि देव को वज्र देह बोला जाता है क्योंकि इनकी देह वज्र के समान है। वैराग्य का अर्थ है वैराग्य के दाता, वीर का अर्थ है अत्यधिक बलशाली और वीत रोग भय का अर्थ रोग और भय से मुक्त करने वाला होता है। विपत परम्परेश का अर्थ दुर्भाग्य के देवता है। विश्वबंद का अर्थ विश्व में पूजे जाने वाले। गृधन्य वाह गिद्ध की सवारी करने वाले। गूढ़ का अर्थ छुपा हुआ यानी जिसका रहस्य कोई ना जान सकता हो, ऐसे हैं हमारे शनि देव। आइए इनके और नामों का वर्णन करते हैं। परीक्षा लेने पर आते हैं तो इनकी वक्र दृष्टि से कोई भी बच नहीं पाता है। आज हम शनि देव की महिमा का वर्णन उनके नामों के माध्यम से कर रहे हैं। भक्तों, इन्हें कुर्मांग भी कहा जाता है जिसका अर्थ कछुए जैसे अंगों वाला, कुरूपिण का अर्थ असाधारण रूप वाला, कुत्सित का अर्थ तुच्छ रूप वाला होता है तथा इन्हें गुणाढ्य भी कहा जाता है क्योंकि शनि देव भरपूर गुण वाले हैं। भक्तों, गोचर का अर्थ हर क्षेत्र पर नजर रखने वाला होता है। अविद्या मूल नाशक का अर्थ है अनदेखा करने वालों का नाश करने वाला। विद्या विद्या रूपिण का अर्थ ज्ञान करने वाले और अनदेखा करने वाले होता है। भक्तों, आयुष कारण का अर्थ लंबी आयु देने वाला है। शनि देव अपने भक्तों को लंबी आयु देते हैं। भक्तों, तो आइए शनि देव भगवान के और भी नामों के बारे में जानते हैं। का
प्रियजनों, आइए शनि देव की महिमा के वर्णन के साथ साथ इनके और नामों का भावार्थ जानते हैं। भक्तों, शनि देव के 108 नामों में इनका एक नाम आप दुर्धर्त्र भी है। भक्तों, इस नाम का अर्थ दुर्भाग्य को दूर भगाने वाला होता है। विष्णु भक्त भी इनका एक नाम है। शनि देव को वाशिन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ स्वयं को नियंत्रित करने वाला होता है। इन्हें विविधागम वेदिन भी कहा जाता है। भक्तों, जिसका अर्थ होता है कई शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले। इन्हें विद्यस्तुत्य भी कहते हैं। भक्तों, जिसका अर्थ होता है पवित्र मन से पूजे जाने वाले। और वंद्य का अर्थ है भक्तों पूजनीय। विरूपाक्ष का अर्थ है कई नेत्रों वाला। वरिष्ठ का अर्थ उत्कृष्ट होता है। और गरिष्ठ का अर्थ आदरणीय देव होता है। भक्तों, शनि देव सभी के आदरणीय हैं। आइए इनके और नामों के बारे में जानते हैं। पर भी अंकुश लगाने की क्षमता रखते हैं। और वरदा भयहस्त नाम का अर्थ भय को दूर करने वाला। तथा वामन का अर्थ छोटे कद वाला। और ज्येष्ठा पत्नी समेत का अर्थ है भक्तों जिनकी पत्नी भी ज्येष्ठ हो। श्रेष्ठ तो आप सभी जानते हैं। मित भाषण का अर्थ कम बोलने वाला होता है। कष्टो घना शक्रर्थ का अर्थ है भक्तों कष्टों को दूर करने वाला। पुष्टित का अर्थ सौभाग्य के दाता। और अस्तुत्य का अर्थ है जिसकी सभी स्तुति करते हो। भक्तों, तो आइए शनि देव के और नामों के बारे में जानते हैं। जाए
भगवान शनि देव जी की महिमा अपरंपार है। ये भक्तों को अति शीघ्र वरदान देते हैं, वहीं दुष्टों को कठोर दंड भी देते हैं। भक्तों, आज हम शनि देव के 108 नामों का अर्थ सहित वर्णन कर रहे हैं। शनि देव का एक नाम स्त्रोत गम्य भी है, यानी स्तुति के भजन के माध्यम से लाभ देते हैं। इन्हें भक्तिवश भी कहा जाता है, अर्थात एक भक्ति मार्ग ही है जिसके द्वारा शनि देव को वश में किया जा सकता है। भक्तों, भानु का अर्थ तेजस्वी है और भानु पुत्र यानी सूर्य पुत्र तो ये है ही, ये भव्य पावन और पवित्र भी है। भक्तों, इनका एक नाम धनुर्मंडल संस्था भी है, अर्थात धनुमंडल में निवास करने वाले। इन्हें धनुष्मत भी कहते हैं, यानी विशेष आकार वाले। तनु प्रकाश देह का अर्थ है भक्तों, तन को प्रकाशित करने वाले। ये तामस गुण वाले भी हैं और खेचर अर्थात आसमान में विचरण करने वाले भी हैं। तो आइए भक्तों, इनके कुछ और नामों के बारे में भी जानते हैं। मानस का अर्थ है भक्तों, निष्ठुर स्वभाव वाले। और आर्य गण स्तुत्य भी है शनि देव, अर्थात आर्य भी इन्हें पूछते हैं। और भक्तों, शनि देव को नीलक्षत्र भी कहा जाता है, अर्थात नीली छतरी वाले भी है शनि देव। तो आइए इनके और नामों का वर्णन करते हैं।
दुख का नाश किया है। आए जन गण भी कहते हैं, आर्य लोग संग रहते हैं। भक्तजनों, शनि देव का एक नाम नित्य अर्थात लगातार बने रहने वाले हैं, और ये निर्गुण और गुणात्मन दोनों ही हैं भक्तों। इनका नाम निंद भी है, यानी निंदा करने वाले, और वंदनीय भी कहे जाते हैं, अर्थात शनि देव ही वंदना के योग्य हैं। और इनका नाम धीर भी है, यानी दृढ़ निश्चय वाला, और दिव्य देह धारण करने वाले भी हैं शनि देव, तथा दीनार्ति हरण नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात संकट काटने वाले हैं शनि देव। इन्हें दैन्य नाश कराए भी कहते हैं, यानी दुख का नाश करते हैं शनि देव, तथा इन्हें आर्य जनगण्य भी कहते हैं भक्तों, अर्थात आर्य के लोग भी हैं शनि देव। आइए इनके कुछ और नामों के बारे में जानते हैं। करने से भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। 108 नामों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हर कष्ट दूर होते हैं। तो आइए भक्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शनि देव का ध्यान करते हैं।
झोल